सुबह उठने के बाद मैं नहाई, नहाने के बाद खाना खाए बिना ही मैं इस लड़की के साथ मज़े कर रही हूँ। ये लड़की कैमरे को देख के बड़े ही मज़े लेती है। और फिर कुछ देर बाद मेरे मामा आ गए और हम एक साथ बैठे हुए हैं। फिर मैं सोच रही थी कि वीडियो बना लूँ, सबके सामने वीडियो बनाने लग गई और मेरे मामा इनको छेड़ रही है अंशिक पर, ये दूर भाग जाती है इनको देख के। सब बात कर रहे थे और दीदी महारानी फ़ोन देख रही थी साइड में देख के। मामा इनको डांटने लग गए दीदी को, भाई साइड में क्या फ़ोन से थोड़ी फुर्सत भी ले ले, फिर देखो फिर दीदी और मामा में क्या हाँ, होता तो है। बोला हूँ क्या कह रही हूँ मैं, तो कुछ कह रहे ना दीवार में ले रहे हैं निकल रहा है तो तेरा यार चल रहे हैं सही ना लग रहे फिर साफ है जा रहे हो हो जाए पानी पी कर थोड़ा ज़्यादा सुबह सुबह है देने वाले हैं और घुटाई इतना वेरी घुटाई घुटाई पढ़ाई मन लगा है पढ़ाई मन लगा बेटा है ना बचपन का आवानी कभी हाल। कुछ देर बाद पापा सो रहे थे, फिर वो उठ गए तो मामा और नानी उनसे बात करने लग गई। उठते ही झाड़ू लगाया के झाड़ू पोछा लगाया के फोन चालू कर देखो हनुमान चालीसा जितनी आवाज है तेज फ्रिज पर रख दो जहाँ तक समय सब में मुंह में आवाज दे बूढ़े इन पे देखियो कान पकड़ बाबा यार देख नो नीचे डंड लग बाबा यार नो हाथ में कर कान में पकड़ बाबा देख बाबा सुर चले ना बाबी सुर बारे को चले दरबार अरे यहाँ भी देखा देखे करो टीवी पे और फालतू बकवास देने की जरूरत ना बागेश्वर बाबा की देखे हाँ सत्संग देखे करो न्यूज ना सत्संग ठीक है बाबू इन चीज़ों पर ध्यान दो या तो घर को सुधार हो ना टीवी पे देखो सत्संग जितना भी देख रहा हूँ भागवत गीता और क्या नाम है बागेश्वर बाबा को आओ बागेश्वर को देखो ठीक है ना टीवी पे इन चीज़ों ज़्यादा देखो दोनों टाइम बेटा हाथ जोड़ी की बात है एक लोटा में जल डाल लेकर जब बैठ के तखत पे बैठ के कर लो कोई दिक्कत ना खड़े होके ना खड़े होके करें ना खड़े होके हनुमान चालीसा या नीचे जमीन पर आसन डाल के कर लो सामने एक लोटा जल रख लो और धीरे धीरे बोल के करो और फिर वह जल है छींटे मार दो सब घर में थोड़ा थोड़ा सब पी लो फिर शादी तरह वैसा थैंक यू वेस्ट वो पी लो सब ठीक है ना अपने पापा भी देख लो ठीक है बेटा नेम बनाओ बाबू जल्दी तखत पे चाह लेकर तखत पे बैठ कर तखत पे बैठ कर लेकर तखत पे कोई दोस्त हो ये और बाबा की बात फोटो का कर लेकर अलसे उठते ही लगता है तय बना इधर तो लत्था फैले ना रहनी चाहिए वैसे ही पीछे रहना चाहिए बस इसी से कहो ना चंदर कहीं खड़ी है ये नाना के जामे कपड़े ने बांध के माने टाइम रह जामे लत्तान के बखेड़े ना रहन चाहिए लत्तान उठते ही तह मार दर्द संभाल के ये चीज तो आप समझो ना कपड़े ना चद्दर पिछड़ी है जैसे यू चद्दर आप फिनिश कर दो बिल्कुल सरबट ना होनी चाहिए ऐसे में जब तो सही है और जो हम सरबट पड़ रही है जैसे मैं जिसको काट के चले जाओ फिर गड़बड़ मामला हां मैं खाट पे तो बिस्तरा गोल करके धर दे मार कर दो बेड पर हाथ मारो झारो चद्दर झार के बिछाओ सरबट ना रहेंगे एकदम फिनिश कर दो उसे शराब रिंद दबाए ठीक है ये गद्दा पे जब खींचो ही जोते नुकसान जो खैर खींचो जो सही विशेष सीधो खोल दे यार चद्दर है दबा दो शराब रेन पर ठीक है ना यार सुबह सुबह कर देखो बेटा ऐसे भी अच्छे लगे ठीक है ना सोने तो कुछ नहीं है सोना तो दिलत्तर है समरो जितना समरो जाते कब कितनी हालत स्वर की घर की जब तो सफाई करवाई है हैंगर फैंगर लगाए स्वर की ना कितनी तो बेटा थोड़ा थोड़ा रोजना सुधार करोगे तो बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी व्यवस्था बने बनाने तो बेटा थोड़ा थोड़ा करते रहो रोजना सभी करते रहो बेटा तू यहाँ कर ले भैया तू यहाँ कर ले तू यहाँ कर ले मिलजुल करो तो पता चलेगा कब है वो काम अरे हर आठवें दिन तो यह काम करेगा अरे इन्हें बता दे पापा ये चीज आवेगी आ ले आई हूँ शाम को सब व्यवस्था बन जाएगी थोड़ा सा विश्वास और श्रद्धा से काम ले लो श्रद्धा विश्वास से ठीक है ना हमारे घर में अरे हनुमान चालीसा भाई तुम तो हमारे बार बार कहे ना 10 मिनट लगे ज्यादा 10 मिनट में ज्यादा ना लगा हनुमान चालीसा नहाए धोए धूप बत्ती जला लो मैं लेट 3 बजने वाले हैं।
के बाद मामा चले गए 4 बजे और फिर ये लड़की गाना सुनते सुनते डांस कर रही है। ये तो गानी सुन रहे हैं और मैं यहाँ पे बेहोर हो रही हूँ। ये दोनों खाना खा रहे हैं, आंसी नाच रही है और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इस टाइम, क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं सिवाय ब्लॉग बनाने के। ये डांस कर रहे हैं, देखिए आंसी को। आज शाम के खाने में बनी है पेटी की सब्जी और रोटियाँ, और आज शाम को हम मार्केट जाके तरबूज भी लेके आए थे, वो भी 5 किलो। फिर उसके बाद शाम हो गई और हम आरती में आ गए। लड़की को देखो, ये भी आजकल आरती में हमारे साथ ही खड़ी होने लग गई है लास्ट में। पर ही हमारा ब्लॉग एंड होता है, अब मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।